नमस्कार दोस्तों, आज देखिए हम बताते हैं स्विच सॉकेट इंडिकेटर। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि स्विच सॉकेट और फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आज हम देखते हैं स्विच सॉकेट इंडिकेटर लैंप। तो स्विच के बारे में हम बता चुके थे, सॉकेट भी बता चुके थे, इंडिकेटर और फ्यूज का हम नहीं बताए थे, इसको कैसे कनेक्शन करना है। पहले तो जान लीजिए स्विच क्या होता है। स्विच उसको बोलते हैं किसी विद्युत धारा को कंट्रोल करना यानी रोकना। रोकने और कंट्रोल करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच बोलते हैं। और सॉकेट का मतलब क्या होता है, सॉकेट जिस उपकरण से, मान लो कोई फैन है, इधर कोई फैन है और इसको, इसमें दो तार है और यहाँ पर इस फैन सॉकेट में लगाना है, यानी इस उपकरण को सप्लाई देना है। या मान लो फर्राटा फैन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लग को खोस देंगे और इसको चालू कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फैन क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। ये दोस्तों हमारा फैन चलने लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉकेट बोलेंगे। अब आइए बात करते हैं इंडिकेटर। ठीक है, बात करते हैं इंडिकेटर होता क्या है। देखिए इंडिकेटर वो होता है, जैसे मान लो जो घरों में हमें इंडिकेट करता, नाम से ही पता हो रहा है इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर जो हमको सप्लाई आने का अनुभव देता है कि इंडिकेट करता है हमारे यहाँ बिजली है या नहीं, तो बिजली है तो इसलिए इंडिकेटर में एक लैंप लगा होता है, छोटा सा एक लैंप लगा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वोल्टेज क्षमता होती है 5 वोल्ट। कितना होती है, 5 वोल्ट। इसको बोलते हैं नियॉन लैंप। क्या बोलते हैं, नियॉन लैंप बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, नियॉन लैंप बोलते हैं। छोटा सा होता है, उसके बाद वो 5 वोल्टेज का होता है, लेकिन हमारे जो घरों में होता है 230 वोल्टेज 240 वोल्टेज आता है, तो 5 वोल्ट को कैसे वो बर्दाश्त कर लेता है। तो दोस्तों उसके पहले हमारे पास लगा रहता है एक रजिस्टर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रजिस्टेंस लगा रहता है पावर का, 1 किलो ओम का। कितने किलो ओम का, 1 किलो ओम का। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, जैसे मान लो किसी जगह करंट फ्लो करा रहे हैं, हम लोग किसी तार में करंट फ्लो करा रहे हैं और इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसमें हम लोग रेजिस्टर लगा देंगे तो क्या होगा कि जो करंट है, मान लो जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है, जो करंट है इसमें हम लोग अगर रजिस्टर लगा देंगे तो क्या होगा, जो करंट होगा उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, यानी जो करंट का बहाव रफ्तार है वो करंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी वोल्टेज जो भी होगा उसमें स्लो हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग दिए फेस दिए और इधर हम लोग क्या दिए, न्यूट्रल दिए। फेस न्यूट्रल देने पर हम लोग क्या करेंगे, फेस और न्यूट्रल जब जाएगा तो फेस न्यूट्रल मान लीजिए डायरेक्ट चला जाएगा, फेस जो होगा वो क्या करेगा, रोक लेगा करंट को, क्या करेगा, रोक लेगा करंट को। रोकने की क्रिया, जो करंट को रोके, जो रुकावट पकड़ा, उसको हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रतिरोध का। तो अब इंडिकेटर में क्या करना है, इंडिकेटर में ऐसा दो टाइप का ऐसा रहता है, ऐसा रहता है इंडिकेटर में, ऐसा दो रहता है और उसमें हम लोग केस देते हैं और दोस्तों न्यूट्रल देते हैं और इंडिकेटर में एक लैंप लगा रहता है, वो हमारा जल जाता है। दोस्तों हम कनेक्शन कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इंडिकेटर लगाना है या पहले फ्यूज लगाना है। इंडिकेटर के बारे में बता दिए, उसमें एक नियॉन लैंप होता है और उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, वो प्रतिरोध होता है, वो क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं फ्यूज की, किसकी बात करते हैं, फ्यूज क्या होता है। फ्यूज जनरली आप देखेंगे तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज चीनी मिट्टी का बना होता है, पत्थर का, उसमें क्या करते हैं लोग तार को छील के लपेट देते हैं, वही हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में इस तरह कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। तो 2 पॉइंट होते, फ्यूज में 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो इसमें आप, इसमें क्या करते हैं, आप अभी इंडिकेटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक में फेस देना है, एक में न्यूट्रल देना है, लेकिन फ्यूज में क्या करना है, एक में फेस देना है लेकिन दूसरे से, इसे फेस को हमने यहाँ देना है लेकिन न्यूट्रल का इसमें हम लोग को चक्कर नहीं, न्यूट्रल हमको नहीं देना है। फ्यूज पत्थर का बना होगा, न्यूट्रल का हमें नहीं चक्कर। अब हमने फ्यूज तो लगा लिया, फ्यूज पहले लगाएंगे इंडिकेटर बाद में लगाएंगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फ्यूज को क्या करते हैं बाद में लगाते हैं, इंडिकेटर पहले लगा देते हैं। तो मान लीजिए कि ये फ्यूज उड़ गया है लेकिन इंडिकेटर से लाइट आ रही है, शो करेगा यानी लाइट आ रहा है, इस तरह शो करेगा। तो पहले हम लोग को क्या लगाना, फ्यूज लगाना है। फ्यूज के बाद क्या लगाना है दोस्तों, इंडिकेटर लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर। ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर हो गया दोस्तों,
ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, स्विच लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच को लगाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ लैंप लगाते हैं, एक यहाँ लैंप लगाते हैं, यहाँ हम लोग एक पंखा लगा दिए, एफ लगा दिए, और इधर लैंप लगा दिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस तरह का हो गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग इसमें कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो देखते हैं कनेक्शन कैसा होता है। तो इस तरह से हो गया। अभी हम लोग क्या करें, इंडिकेटर, इंडिकेटर में आपको पहले पहले न्यूट्रल, पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल जिसको हम लोग ठंडा तार ही बोलते हैं, न्यूट्रल तार को हम लोग, न्यूट्रल तार को हम लोग इसमें एक पंखे में दे देंगे दोस्तों, और एक एक लैंप में दे देंगे। एक एक इसमें दो दो तार निकला है, तो अभी न्यूट्रल तार को इसको इसको दे दिए। अब हमने अभी बताया है कि न्यूट्रल तार को इंडिकेटर में भी देना है, न्यूट्रल तार को क्या करना है, इंडिकेटर में भी देना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहीं से जोड़ के तार को हम लोग क्या कर देंगे, इंडिकेटर में भी दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फेस वायर लेंगे, फेस वायर में इतना पतला सा, इधर पतला सा हम लोग क्या लगा देते हैं, फ्यूज के अंदर एक तार लपेट देते हैं। तार लपेटने के बाद क्या करते हैं, अब ये करंट यहाँ आ गया, अब ये करंट क्या करना है, इंडिकेटर को भी दे देना है, इनको भी दे देना है, और इनको भी दे देना है। अब आपके पास बचा है स्विच का ऊपर का पार्ट, स्विच का ऊपर का टर्मिनल। अभी स्विच के नीचे का टर्मिनल था, अभी बच रहा है स्विच का ऊपर का टर्मिनल। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक एक में हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, पंखा लगा देंगे, दूसरे हम लोग लैंप लगा देंगे। ये हमारा कनेक्शन है दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज और इंडिकेटर और ये स्विच को जोड़ना हमने सीख गया है। एकदम बेसिक है, घर बैठे आप आराम से 2-3-4 बार प्रैक्टिस करिए, आप इसका कनेक्शन सीख जाएंगे। इस बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ ही दिन के बाद हम लोग क्या लाएंगे, ऑफलाइन क्लास खोलेंगे, जिसमें बच्चों को हम लोग ऑफलाइन तरीके से उनको पढ़ा के प्रैक्टिकल करा के उनको सिखाएंगे। तो अभी दोस्तों अभी इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे स्विच सॉकेट इंडिकेटर प्लस एमसीबी और ईएलसीबी और आइसोलेटर का कनेक्शन भी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।